Assalamualaikum, this is Ahmed Rame, welcome to Rame Zone. So, आज के दिन की शुरुआत होगी और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं शोरूम पे आ चुका हूँ. लेट्स सी, स्टॉक सारा खड़ा है, शोरूम की सफाई वगैरह हर चीज़ करवा दी हुई है. लो जी, बिजली भी चली गई. मैं आपको बता रहा था कि प्राइसेस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस तरह के हुए हुए हैं कि हर तरीके से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, डॉलर इंक्रीज कर रहा है, कंपनीज की बुकिंग का मसला है, डिलीवरीज का मसला है. मतलब बिजनेस जो है ना इस वक्त सो अनस्टेबल है, मतलब बिल्कुल अनस्टेबल. तो अब सबसे ज़्यादा जो मसला ट्रैक्टर्स में आ रहा है ना, जो आजकल का मेन इशू है वो है ये कि अब ये एक कंपनी है न्यू हॉलैंड, इसके अलगाजी होते हैं 640 होता है और एक इसका छोटा फीएट होता है, वो इन स्टॉक अवेलेबल है. तो कहने का मकसद कि अब ये वाली कंपनीज जो है ना, ये अपनी प्राइसेस करी हैं चेंज. ठीक है, अब मार्केट के अंदर इन्होंने क्या सिस्टम किया है कि आप हमें बुकिंग दें और हम आपकी पुरानी प्राइसेस पे गाड़ियां बुक करेंगे, ट्रैक्टर्स बुक करेंगे, और आप ना जब न्यू लिस्ट आ जाएगी तो वो न्यू प्राइसेस एप्लीकेबल हो जाएंगे. लेकिन सीन क्या है कि जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो हैं बंद, तो ना गाड़ियाँ डिलीवर हो रही हैं, ना गाड़ियाँ बुक हो रही हैं, बिकॉज कस्टमर्स को इस बात का शक है जो लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था कि आप पुरानी प्राइसेस पे बुक करवा लो. उसके बाद पता चला कि जी कंपनी ब्लैकमेल करती है कि कस्टमर्स को कि अगर आपने नई प्राइसेस के हिसाब से पेमेंट ना की, हमें एक्स्ट्रा ऊपर वाली अमाउंट ना दी, तो हम आपको गाड़ी डिलीवर नहीं करेंगे. तो मसला तो लोगों को वो पैसे देने पड़े. अब इस वजह से इसकी बुकिंग जो है वो शॉर्ट है, ना कोई बंदा बुक करवा रहा है और ना कोई बंदा ले रहा है ना बेच रहा है, तो सारा सीन ही ब्लॉक हो गया. इसके बरक्स जो है ना, वो कार वाली जो कंपनीज हैं वो इस वक्त अभी ना ज़रा चुपचाप है, मतलब वो ज़्यादा हंगामे नहीं कर रही फिलहाल. वो इस वजह से कि ना अभी कोई प्राइस लिस्ट उन्होंने दी है ना कुछ और, लेकिन बुकिंग्स भी बहुत कम हो रही हैं क्योंकि नेट कैश गाड़ी किसी से ले नहीं हो रही. बहुत सारा जो पेरेंट कस्टमर है हमारा, मतलब बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जो गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो गाड़ी बुक करवाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता. अगर वो बैंक के पास जाता है तो उसे मार्कअप बहुत ज़्यादा मिलता है, फाइनेंसिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा है. सो गाड़ियों का अगर प्राइसेस अब बढ़ गई, इससे ज़्यादा अगर और बढ़ गई, तो मेरे ख्याल से कस्टमर्स के लिए लेना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो अब हम ना ये फ्लेक्सी ठीक करने लगे हैं. अब सुबह सुबह मैं शोरूम पर आया तो देखा कि ये माशाल्लाह जी लटक रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलें आज इसको सबसे पहले तो ठीक किया जाए. यार अच्छी नहीं लगती ना, इसका कस्टमर आएगा क्या लटकती हुई नज़र आएगी. तो अब हम फर्नीचर शॉप से स्मग लेंगे और फिर हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है. अब हम अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए चेक करें कि हम स्टील के फुटे से स्मग लगा रहे हैं, जबकि ये काम फोम से होना है. शहजादा मेरे ख्याल ना सारा दिन लगा रहेगा तो जोड़ ही जाऊंगा. देखा, बेहतरीन हो गया सेट. लेट्स गेट बैक टू ऑफिस.